मैं सज्जनार साहब से एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। आपने हमें कहा कि हमें देश की गवर्नमेंट के साथ हम खड़े हैं, हम बिल्कुल देश की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन आप ही बता दीजिए अशोक जी, एक बहुत बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, वर्ष 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स का गठन कर दिया था और उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, करीब 90,000 सैनिक उसमें भर्ती होने थे। मैं पूछना चाहता हूं, आप बड़े राजनयिक हैं देश के, क्या चीन की सीमा पे अगर सुरक्षा का प्रावधान कांग्रेस पार्टी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बताइए माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स में कितने सैनिक भर्ती हुए, ये बता दीजिए। दूसरा ये बता दीजिए, हम देश की सेना पर सब गर्व करते हैं, लेकिन देश की सेना के लिए 2019-20 और 2020-21 के बजट में सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हम रक्षा बजट में, तो उससे क्या फायदा होगा ये बता दीजिए। तीसरी बात बहुत स्पष्ट आपसे अशोक जी पूछना चाहता हूं, आपने कहा वो चीनी मीडिया से गायब हो गया, अपनी साइट से डिलीट कर दिया, भाई डाला ही क्यों था उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे, आप जाकर के ट्वीट चेक करिए, मैंने खुद सोशल मीडिया का प्रतिकार किया है चीन के, प्रणव झा जी जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर उन्होंने बकायदा प्रतिकार किया है, हमारे अपने एक पवन खेरा साहब उन्होंने चीनी मीडिया का प्रतिकार किया है और स्पष्ट कहा है कि हम बिल्कुल निश्चित रूप से हर तरह से भिड़ने के लिए तैयार हैं चीन से। मैं पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनसे पूछ लीजिए, जब पूरा देश आक्रोशित है और चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है, तो देश का एक उद्योगपति भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करता है चीन के साथ, और देश की सरकार राष्ट्रवादी होने का दावा करती है, इस पे जरा जवाब दिलवा दीजिए या आप जवाब दे दीजिए। आप लोग यहां बैठ करके निश्चित रूप से एक बात आपने सोच ली है कि कांग्रेस का विरोध करना, आप विरोध करिए, लेकिन विरोध करते करते देश की सीमाओं का विरोध मत करिए, देश की सीमा सेना का विरोध मत करिए, देश की अखंडता का विरोध मत करिए। अशोक जी बोलने तो दीजिए, मेरे सवाल तो सुन लीजिए, बताइए ना बात कि $300 मिलियन का एक पैक्ट हो जाता है और भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में होता है, आप राष्ट्रपति बनने के ढोंग करते हैं, वो जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल का जवाब और दे दीजिए फटाफट छोटे से। आपने बात शुरू की कि हम गुस्सा नहीं करते किसी बात से, लेकिन बिना गुस्से के खत्म नहीं कर पाए बात को, यही तो अशोक जी कह रहे थे कि वॉक द टॉक नहीं है, आप कहते हैं हम साथ हैं लेकिन केवल बातों में साथ होते हैं, असल में होते नहीं है साथ में, ऐसे ही जैसे अभी आपके बयान में दिखाई दे गया कि हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन क्या नहीं कह दिया आपने उनको, सिर्फ इसलिए कि आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी। प्लीज अशोक जी की शान में शेर और पढ़ देता हूँ, बस हमारी बेबसी की इंतहा है, जालिम की हिमायत कर रहे हैं, आपने कहा मुझे गुस्सा नहीं आता, अरे हर व्यक्ति को देश के गुस्सा आ रहा है, चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मारा है, आपने कहा क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा, क्या आप नहीं उबल रहे हैं रोहित सरदाना जी, आप भी उबल रहे हैं, आप भी अंदर से उबल रहे हैं, रोहित सुधांशु भी उबल रहे हैं, अशोक जी भी उबल रहे हैं, और जो देशवासी मुझे सुन रहे हैं वो भी उबल रहे हैं सर, ओके वो भी बोल रहे जवाब देंगे, क्या मैं आक्रोशित ना हूँ, सुधांशु जवाब देंगे, फिर आपके बाद जो आपने पूछी अशोक जी से भी पूछूंगा, रक्षा विशेषज्ञ शिवाजी से भी पूछूंगा, ओके सुधांशु जी जवाब दीजिए उनकी बात का फटाफट से, उसके बाद अशोक जी वापस आपके पास आऊंगा इन कमेंट्स पर जवाब लेने। बोलिए सुधांशु, रोहित जी मैं सिर्फ दो लाइन बोलूंगा। हाँ, इन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया में चाइना में ये लिखा गया वो हटाया गया, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो आज भी लिखा, ग्लोबल टाइम्स अखबार का आर्टिकल इंडिया चाइना अर्जेस इंडिया टू इन्वेस्टिगेट द बॉर्डर इश्यू, उसके अंदर लाइन में पढ़ रहा हूं, इंडिया विल फेस ए डिजास्टर्स डिफीट एंड ए डिफीट राइट नाउ वुड बी डिजास्टर्स एज राइजिंग हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेस विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस फेल्ड आउटकम एंड मोदी विल बी आउट ऑफ पावर। यानी हिंदी में अब यह हुआ कि यानी भारत को एक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा, हमने वो नहीं बोला, भारत का ये बात तो आपने पहले भी कही ना, राष्ट्रवादी शक्तियां सुधांशु जी अब मेरा सवाल है सुधांशु जी कि मोदी को सत्ता से वहां सरहद पे लड़ाई हो रही है उसमें भी हिंदू राष्ट्रवाद आ गया सर। सर मैंने मैंने क्यों बोला, इन्होंने कहा था हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये चीन बोल रहा है, किसी उद्योगपति के कॉन्ट्रैक्ट की बात, उद्योगपति का कॉन्ट्रैक्ट तो व्यक्तिगत, मैं पूछना चाहता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी अपना करार रद्द कर रही है नहीं, बोलिए हाँ या ना। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देना चाहूंगा प्लीज, इसका दीजिए, वेट मत कीजिए, फटाफट दे दीजिए, वेट कर रहे हैं उसके बाद अशोक जी आपके जवाब देने के लिए जल्दी से। हाँ देखिए बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी ने पूछा कांग्रेस के बारे में, तो ये बात ध्यान रखिए सुधांशु जी,
देश का जो इम्पोर्ट है, देश का जो आयात है, अगर 2014 की बात करूंगा तो 3000 रुपए प्रति व्यक्ति आयात हुआ करता था चीन से, आज जो बढ़कर के 6000 रुपए 6 साल में हो गया, इसके बारे में बताइए। और मैं चाइना का पेपर कोट नहीं करूंगा, मैं कोट करूंगा हिंदू अखबार को जिसने कहा चाइनीज मीडिया लॉर्ड्स मोदी स्पीच, चाइनीज मीडिया मोदी साहब की स्पीच को लॉर्ड कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।